एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, ठीक है। उसकी टाइप्स भी पढ़ ली थी कि कितनी तरह के नेटवर्क्स होते हैं। चलो ये एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ नेटवर्क्स के बारे में, अगर आपको याद होगा तो। ये है नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर इंटरलिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमंग देम। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का। एक कहते हैं दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। और उसकी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है। लैन में एक स्कूल में एक बिल्डिंग के अंदर रखे हुए कंप्यूटर्स को आपस में जो जोड़ के एक नेटवर्क बनेगा उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इस नेटवर्क में देखो ना कितने सारे कंप्यूटर जोड़े हुए हैं। जोड़ने के लिए तारें लगी हुई हैं, केबल्स लगी हुई हैं। उन केबल्स के भी कोई ना कोई नाम है। मॉडम लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगी हुई हैं, कंपोनेंट लगे हुए हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें जोड़ के ही मतलब उसको एक नेट के ऊपर, एक नेटवर्क के ऊपर जोड़ा हुआ है इन सबको। और वैन के बाद हमने नेटवर्क की दूसरी टाइप पढ़ी थी मैन। मैन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये नहीं कि जैसे बड़ी बड़ी जो सिटी जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ के जो भी कंप्यूटर में जितने भी वहाँ पे सिटीज में लोकल एरिया नेटवर्क है उनको आपस में जो जोड़ा होगा उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क में हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, यानी कि सारा देश, पूरी दुनिया आपस में जुड़ी होती है केबल्स के जरिए और सेटेलाइट्स के जरिए। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई है। रूटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है ना। ये जो केबल्स है या वायरलेस जो जुड़ा हुआ है, मतलब ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, कम्युनिकेशन का एक मीडिया जो यूज़ किया हुआ है। इसके बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि इस नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। द वेरियस कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर, सबसे पहला है होस्ट। होस्ट कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है, जिनको आपस में जोड़ना है ना, होस्ट कंप्यूटर लैपटॉप हो गए, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, एथरनेट केबल्स क्या होती हैं, हब स्विच और रूटर क्या होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है हमें कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अब होस्ट क्या होते हैं, होस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये होते हैं होस्ट। होस्ट में कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, या मोबाइल फोन भी हो सकता है। पूरी दुनिया जुड़ी हुई है ना आपस में, तो नेटवर्क के ऊपर हमें अगर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है तो हमें क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। दोनों साइड चाहिए, भेजने वाली साइड से भी और रिसीव करने वाली साइड से भी, ठीक है। ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये कंप्यूटर की बैक साइड में होता है। यहाँ पे एथरनेट केबल लगती है, ठीक है। ये था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बिना इसके नेटवर्किंग नहीं होती, कंप्यूटर को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता इसके, ठीक है। केबल्स के जरिए वायरलेस के लिए और डिवाइस भी यूज हो जाती है, ठीक है। ये होती है एथरनेट केबल। ये जो पोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे ये वाली केबल लगती है, ये एथरनेट केबल, RJ45 बोलते हैं इस कनेक्टर को, ठीक है। अब बात करते हैं हब स्विच राउटर, ठीक है। ये लगते हैं नेटवर्क के ऊपर, जो डाटा का ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं इनको, ठीक है। 8-10 कंप्यूटर हो तो हब चल जाती है, ठीक है। उससे ज़्यादा हो, मतलब एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के साथ जोड़ना हो, एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ जोड़ना हो, या एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ना हो, तो स्विच यूज़ कर लेते हैं। फिर बाद में आ जाती है रूटर। रूटर से हम क्या करते हैं कि मान लो जैसे हमीरपुर को बिलासपुर से जोड़ना है तो रूटर यूज़ कर लेंगे, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ना है तो गेटवे यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से होते हैं ये मतलब डिवाइसेस, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल में इनकी कि होस्ट क्या होते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्किंग इज कंप्यूटर और लैपटॉप ऑन बोथ सेंडर और रिसीवर साइड। जो पहली रिक्वायरमेंट नेटवर्किंग की वो है कि कंप्यूटर और लैपटॉप
सारी दोनों साइडों से, ये भेजने वाले की तरफ भी और रिसीव करने वाले की तरफ भी, ठीक है। बाद में सेकंड पे आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिजाइन टू कम्युनिकेट डिफरेंट कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो डिजाइन किया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए, आपस में संचार के लिए, फॉर डिफरेंट कंप्यूटर्स, जो अलग अलग कंप्यूटर होते हैं ना जुड़े हुए नेटवर्क के ऊपर, उनको आपस में जोड़ने के लिए। ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं स्पेशली डिजाइन किए होते हैं कंप्यूटर को नेटवर्क पर जोड़ने के लिए। ईच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज इट्स ओन यूनिक आईडी, हर एक इंटरफेस कार्ड की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। जैसे क्लास में हर एक बच्चे का यूनिक रोल नंबर होता है ना, सेम वैसे ही इस कार्ड की जो आईडी होती है ना वो यूनिक होती है, विच इज रिटन ऑन ए चिप, जो उस चिप के ऊपर ही लिखी होती है, ठीक है। तीसरे पे आता है एथरनेट केबल। अब एथरनेट केबल्स कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस। अब ये जो एथरनेट केबल होती है वो नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, मॉडम हो गई, स्विच हो गए, रूटर हो गए, अडेप्टर्स हो गए, इनको आपस में जोड़ने का काम करेंगी हमारी एथरनेट केबल। जैसे स्कूल में ना हमारे 8-10 कंप्यूटर आपस में जोड़े हुए हैं ना, वहाँ पे एक स्विच के साथ, तो केबल जो लगी हुई है वो एथरनेट केबल है, जिससे उनको जोड़ा हुआ है। एक बाइट बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पे मॉडम, ठीक है, एक स्विच लगा हुआ है, उसको स्विच बोलते हैं, एक स्विच, यहाँ से हम स्विच यूज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, उसको जोड़ने के लिए सारे के वो भी 8-10 कंप्यूटर जो आपस में जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो केबल से हमने वो आपस में जोड़े हैं वो केबल एथरनेट केबल है, ठीक है। हब स्विच और रूटर, ठीक है। अब चौथी रिक्वायरमेंट है कि हब स्विच एंड रूटर्स आर डिवाइसेस दैट कंट्रोल द डाटा ट्रैफिक एंड मेक द डाटा ट्रैवल इजी ओवर ए नेटवर्क। अब देखो जो हमने कंप्यूटर लैब में आपस में जोड़े हुए हैं ना, एक स्विच के साथ जोड़े हुए हैं। हब पहले यूज करते थे हम, अभी यूज कर लेते हैं साधारण सिस्टम के लिए, लेकिन स्विच एज कम्पेयर टू स्विच जो है ना, हब एज कम्पेयर टू हब जो स्विचेज होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। एरर रेट्स जो होते हैं इसमें वो कम होते हैं, ठीक है। हाँ, स्विच और रूटर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जो डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, और डाटा ट्रैवल जो होती है वो ईजी होती है नेटवर्क के ऊपर, मतलब एक दूसरे को डाटा भेजना जो होता है वो आसान हो जाता है फिर, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन। अब जो पांचवी रिक्वायरमेंट है कि अगर मान लो हमने एक नेटवर्क को, अपने एक जगह के कंप्यूटर्स को, एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे कंप्यूटर्स को बिलासपुर के कंप्यूटर के साथ जोड़ना है, तो इसके लिए हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लाइक डायल अप ब्रॉडबैंड भी होता है, हमारे स्कूल में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वाईफाई से जोड़ सकते हैं, वाईमैक्स से जोड़ सकते हैं, ISDN 3G 4G केबल्स, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन के जरिए हम नेटवर्क्स को आपस में जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाया था, ठीक है। पीछे जो डायग्राम बनी हुई है नेटवर्किंग के लिए, यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे जो वाइड एरिया नेटवर्क है ना, इसमें ये देखो एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है ना, वायरलेस भी जुड़ा हुआ है सेटेलाइट के जरिए भी, और केबल्स ही केबल्स हैं, केबल्स को हम बोलते हैं सबमरीन केबल, कोएक्सियल केबल बोल देते हैं इनको, एथरनेट केबल होती हैं, ये गेटवे लगे हुए हैं, ये रूटर लगा हुआ है, मान लो इसी जगह के आपस में जोड़ने हो ना दिल्ली के सारे तो रूटर यहाँ पे अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एक ही लैब में एक ही कमरे में जोड़ने तो स्विच यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से ये केबल्स के जरिए जुड़ा हुआ है सारा का।